दोस्तों इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन के बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फार्मेसी एजुकेशन दोस्तों हमारे कई टाइप्स में बटी हुई है, खास करके इंडिया के अंदर यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, अंडर ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं। और यहाँ पर जरूरी है दोस्तों, यहाँ पर जो दो बॉडीज़ हैं इंडिया के अंदर वो है PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि दोस्तों हेड है, जो कि चेक करती है कि जो जितनी भी फार्मेसी एजुकेशन पूरी इंडिया में हो रही है वो सब सही हो। और दूसरी है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि कॉलेजेस को परमिशन देते हैं कि वो अपने कॉलेज में फार्मेसी एजुकेशन करवा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का मेन टाइटल रहेगा फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दोस्तों यहाँ पर हम दो तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इंडिया के लेवल पर और अब्रॉड। अब्रॉड में भी आपके अलग अलग कंट्रीज आ जाती हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब के बारे में वहाँ पर कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं इस वीडियो के अंदर आपको सुनने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर भी दोस्तों हम यहाँ पर दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फार्मेसी एग्ज़ाम्स को। एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर नेशनल लेवल के कितने होते हैं और स्टेट लेवल पर कितने होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पहले इंडिया में नेशनल लेवल पर कितने फार्मेसी एग्ज़ाम्स होते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला नेशनल एग्ज़ाम है GPAT, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें दोस्तों यहाँ पर ये नेशनल लेवल पे होता है, और यहाँ पर आपको अगर MPharmacy करनी है, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो आप इस टेस्ट को दे सकते हो। इस टेस्ट की मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपकी BPharmacy पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आप GPAT का एग्ज़ाम दे सकते हो, जिससे आपको ऑल इंडिया लेवल पर आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, जितनी भी आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी। GPAT एग्ज़ाम की जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये अथॉरिटी दोस्तों ऑथराइज कंडक्ट करवाती है नीट को भी, जब हम प्लस टू के बाद जो नीट एग्ज़ाम देते हैं MBBS के लिए, उस एग्ज़ाम को भी NTA ही कंडक्ट करवाती है, और ये GPAT को भी NTA ही कंडक्ट करवाती है। दोस्तों यहाँ पर सेकंड जो हमारा नेशनल लेवल के ऊपर एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो है NIPER JEE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। NIPER JEE का दोस्तों जो बेस्ट कॉलेज है वो मोहाली में लोकेटेड है, और यहाँ पर अगर आपको ये क्रैक कर लेते हो इस एग्जामिनेशन को, तो यहाँ पर आपको कुछ गिने चुने ही कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलेगा, जहाँ पर आप MPharmacy, MTech, फार्मास्यूटिकल्स और काफ़ी सारे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज को आप ले सकते हो। इस एग्ज़ाम के थ्रू जितने भी इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें दोस्तों आपके NIPER कोलकाता, NIPER गुवाहाटी, NIPER हैदराबाद और NIPER मोहाली आ जाता है। इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो फार्मेसी में, अगर आपने NIPER JEE को क्लियर कर लिया है, रैंक के अकॉर्डिंग आपको इन इंस्टीट्यूट्स में आपको सीट मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम स्टेट लेवल के ऊपर। स्टेट लेवल के ऊपर भी इंडिया में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम्स, जिसके थ्रू वो अवेलेबल सीट्स दे सकती हैं अपने स्टूडेंट्स को जिनको एडमिशन लेना है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज के अंदर। इसमें पहला है दोस्तों NMIMS। NMIMS होता है नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये मुंबई में लोकेटेड है, और मुंबई के साथ साथ हैदराबाद और काफ़ी अलग अलग लोकेशन में लोकेटेड है। इस इंस्टीट्यूट के आप अगर एग्ज़ाम देते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज में जा सकते हो फार्मेसी की, और लोकेटेड है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो कि आप किस स्टेट में हो, उस पर रिलेटेड आप इस इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम दे सकते हो। ये भी दोस्तों स्टेट वाइज है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर स्टेट लेवल पर आ जाता है राजस्थान। यहाँ पर दोस्तों RUHS होता है, RUHS एग्ज़ाम होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो अलग अलग कॉलेजेस में जो कि एफिलेटेड हैं, अप्रूव्ड हैं इस यूनिवर्सिटी से। छत्तीसगढ़ में है दोस्तों CGPPHT। उत्तराखंड में है UKSEE का एग्ज़ाम। मणिपाल में अगर आप हैं तो आप दे सकते हो MET का एग्ज़ाम। और ओडिशा स्टूडेंट्स के लिए है OJEE का एग्ज़ाम। ये एक ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसके थ्रू आप ओडिशा में लोकेटेड फार्मेसी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अब दोस्तों बात करते हैं हम अब्रॉड। इंडिया की यहाँ पर बात हो चुकी है, अलग अलग स्टेट्स के आप एग्ज़ाम दे सकते हो, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताए हैं। अब बात करते हैं अब्रॉड, अगर आप इंडिया में हो या फिर आप अगर किसी भी कंट्री में हो, तो यहाँ पर आपको जो बेस्ट कंट्रीज़ मानी जाती हैं अगर आप अब्रॉड काम करना चाहते हो एज अ फार्मासिस्ट, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्ज़ाम्स देने होंगे, जिसमें आपकी जो कंट्रीज़ आती हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ। इसमें कंट्रीज़ हैं दोस्तों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जो कि बेस्ट मानी जाती हैं अगर आपको फार्मेसी एजुकेशन लेनी है या फिर अगर आपको एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पर काम करना है, तो यहाँ इन कंट्रीज़ के अंदर सैलरी काफ़ी अच्छी है।
दोस्तों अगर आप अब्रॉड में कहीं पर भी काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने होंगे, जिससे आपको एक रैंक मिलती है, जिससे आपको एक मार्क्स मिलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको बता सकते हो कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, ताकि आप अब्रॉड में फ्लुएंटली काम कर पाओ। इसमें दोस्तों आपने एक एग्ज़ाम का नाम सुना होगा, आईएल्ट्स का। आईएल्ट्स के साथ साथ और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप टेस्ट कर पाते हो अपनी इंग्लिश को। इसमें दोस्तों आईएल्ट्स, TOEFL और PTE नाम का एग्ज़ाम्स आते हैं, इन एग्ज़ाम्स को आप क्लियर कर सकते हो। दोस्तों आईएल्ट्स होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, TOEFL होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, और PTE होता है दोस्तों पर्सनल लैंग्वेज टेस्ट, जिसके थ्रू आप किसी भी अब्रॉड कंट्री में काम कर पाओगे। दोस्तों पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के अंदर क्या है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों आपको पहले FPGEE का एक एग्ज़ाम देना होगा। आपका वो एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसके बाद आप 6 से 12 महीने आप वहाँ पे एज एन इंटर्न काम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको NAPLEX, इसको नेपलेक्स भी बोलते हैं, और MPJEE का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हो, जिसके थ्रू आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहाँ पर काम कर पाओगे अमेरिका में। दोस्तों यहाँ पर FPGEE होता है फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विलेंसी एग्जामिनेशन। इसके बाद आपको यहाँ पर एज एन इंटर्न काम करना होगा, और आप तैयारी कर सकते हो उस टाइम पे नेपलेक्स की और MPJEE की। MPJEE का दोस्तों एग्ज़ाम होता है और नेपलेक्स का एग्ज़ाम होता है। नेपलेक्स में दोस्तों क्या है, नेपलेक्स है दोस्तों नॉर्थ अमेरिकन फार्मासिस्ट लाइसेंशियर एग्जामिनेशन, जिसके आपको 5 अटैम्प्ट मिलते हैं। आप वहाँ पर अगर 5 अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हो तो ये आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। यहाँ पर एक और एग्ज़ाम होता है दोस्तों अगर आप अमेरिका में काम करना चाहते हो, MPJEE। ये होता है दोस्तों मल्टी स्टेट फार्मेसी ज्यूरिसप्रूडेंस एग्जामिनेशन। आपको स्टेट वाइज अमेरिका में आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप मोर देन वन स्टेट में काम करना चाहते हो अमेरिका में, तो ये आपको अलग अलग स्टेट का बार बार एग्जाम देना होगा, जिसके थ्रू आप काम कर पाओगे एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अमेरिका में। दोस्तों यहाँ पर कई बार हमारे चैनल के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि फार्माडी इंडिया की क्या वैलिड है अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर यस है कि ये वैलिड है, लेकिन आपको यहाँ पर ये जो मैंने एग्ज़ाम्स बताए हैं नेपलेक्स और MPJEE का, ये एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा, तभी आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहाँ पर काम कर सकते हो। आपकी कोई डिग्री नहीं लेनी। वहीं अगर आप बी फार्मेसी के बाद अमेरिका में जा रहे हो, तो आपको वहाँ पर पहले फार्माडी करनी होगी, उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे, उसके बाद आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अमेरिका में काम कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कनाडा की। अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हो तो यहाँ पर आता है PEBC एग्ज़ाम। दोस्तों PEBC है फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप कनाडा में काम कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में काम करना है तो यहाँ पर आपको KAPS एग्ज़ाम देना होगा। KAP होता है दोस्तों यहाँ पर नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। यहाँ पर आपको ये टेस्ट क्लियर करना होगा, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हो। यहाँ पर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन तीन कंट्रीज़ के कुछ एग्जामिनेशंस ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होते हैं, आप कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकते हैं, और यहाँ पर आपके फिजिकल टेस्ट भी हो सकते हैं। डिफाइन आपको करना होगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो से कोई भी लर्निंग मिले तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट आप रेगुलरली देख पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।